स्वागत है दोस्तों आप सभी का वन पीस के वर्ल्ड में, जहाँ भरी है ढेर सारी मस्ती, एक्शन, सस्पेंस, इमोशंस, एडवेंचर्स, क्लाउन्स, पायरेट्स और भी जाने क्या क्या। और इस वन पीस की जर्नी में मैं आपको सुना रहा हूँ वन पीस की स्टोरी शॉर्ट में आर्क बाय आर्क। हमने आर्क वन में देखा कि लूफी जो कि एक पायलट किंग बनना चाहता है, वो अपने पायलट क्रू के लिए मेंबर्स ढूंढ रहा है और उसे अपने पायलट क्रू के लिए एक मेंबर मिल भी आता है जो कि बहुत ही बढ़िया तलवारबाज है। उसका नाम है रोरोनुवा ज़ोरो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखते हैं ज़ोरो और लूफी जो कि अगले आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आइलैंड का नाम है ऑरेंज टाउन। ये दोनों बोट में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से हवा चलती है और लूफी की हैट हवा में उड़ जाती है। बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में पूरा सीन चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं लूफी के फ्लैशबैक में। यहाँ हमें दिखता है लूफी जब वो बच्चा होता है। यहाँ वो एक बार में शैंक्स के साथ बैठा हुआ होता है। पूरा बार पायलट से भरा हुआ होता है। इन सभी पायलट्स का कैप्टन है ये शैंक्स। तो यहाँ पे लूफी शैंक्स से बातें कर रहा होता है, उसे बताता है कि वो भी एक पायलट बनना चाहता है, लेकिन शैंक्स उसकी बातों का मजाक उड़ा जाता है। फिर वहाँ शैंक्स का एक मेंबर लूफी से कहता है कि पायलट बनना तो बच्चों का खेल नहीं है। तो लूफी थोड़ा चिढ़ते हुए अंदाज में बोलता है कि वो कोई बच्चा बच्चा नहीं है, वो एक मर्द है। अच्छा अच्छा, ये लो जूस पी लो। शैंक्स उसकी तरफ एक जूस का गिलास बढ़ाते हुए कहता है और लूफी जैसे ही उस जूस को पीने लगता है तो शैंक्स दोबारा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो देखो मर्द जूस पी रहा है। उसकी ये बात सुन के शैंक्स और शैंक्स के सारे साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी बार में एंट्री करता है एक डाकू और आके सीधा बार में काम कर रही लड़की से कहता है कि उसे 10 बैरल साके चाहिए। जैपनीज में साके का मतलब होता है अल्कोहल, यानी कि शराब। तो लड़की उससे कहती है कि उसके पास साके नहीं है। क्या, तो ये लोग क्या पानी पी रहे हैं, डाकू गुस्से वाले अंदाज में कहता है। फिर शैंक्स उसकी तरफ एक बोतल बढ़ाता है और कहता है, ये लो तुम इसे पी सकते हो, ये बिल्कुल नया है। ये सुनकर वो डाकू बोतल फोड़ देता है और शैंक्स की बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। लेकिन शैंक्स उसकी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानता। ये सब देख कर लूफी को बड़ा गुस्सा आता है। वो शैंक्स और उसके क्रू मेंबर से कहता है कि उसने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, तुम लोग कैसे पायलट हो, कैसे मर्द हो। जो उसके मुंह में आता है वो बोतल चला आता है। अरे यार लूफी शांत हो जाओ, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए क्या हंगामा करना, शैंक्स कहता है। अब ये सुन के लूफी और गुस्सा हो जाता है और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक फ्रूट के ऊपर पड़ती है और वो फ्रूट खा लेता है। जब शैंक्स उसे वो फ्रूट खाता हुआ देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक डेविल फ्रूट है जिसका नाम है गोमू गोमू नोमी। और फ्रूट के खाने के तुरंत बाद उसकी बॉडी रबर जैसी हो जाती है। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे लूफी उसी डाकू से मार खा रहा होता है, क्योंकि वो डाकू जब अगले दिन बार में आता है तब लूफी उससे पंगा ले लेता है ये कह के कि शैंक्स के सामने वो कुछ नहीं है। लूफी की ये बातें सुनकर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ शैंक्स अपने पायलट मेंबर्स के साथ पहुँच जाता है। तभी उस डाकू का एक आदमी शैंक्स के ऊपर बंदूक तान देता है। ये बंदूक बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, अगर तुमने ये निकाल ही लिया है मतलब तुमने अपनी जान दांव पे लगा ली है। और शैंक्स का एक मेंबर उस बंदूक वाले का भेजा उड़ा देता है। फिर शैंक्स का एक दूसरा मेंबर उस डाकू के सारे लोगों की मार लगा देता है। ये देखकर डाकू डर जाता है और लूफी को लेकर वहां से फरार हो जाता है और वो लूफी को ले जाकर समुद्र में फेंक देता है और लूफी को डूबते हुए देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी पीछे से एक सी मॉन्स्टर आता है और डाकू को एक ही बार में खा जाता है। फिर वो लूफी को खाने के लिए बढ़ता है, बट यहाँ पे भी शैंक्स आकर लूफी को बचा लेता है। फिर क्या, शैंक्स उस सी मॉन्स्टर की तरफ बस एक नज़र से देखता है और वो सी मॉन्स्टर डर के वहाँ से चला जाता है। अरे लूफी तुम रो क्यों रहे हो यार, तुम तो मर्द हो ना, शैंक्स कहता है। लूफी रोते हुए बस इतना ही कहता है, शैंक्स तुम्हारा हाथ। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे शैंक्स अगले आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। तब लूफी उससे कहता है कि देखना, मैं एक दिन तुम्हें पायलट किंग बनके दिखाऊंगा। उसके ये बातें सुन के शैंक्स खुश हो जाता है और लूफी को अपना हेड देते हुए कहता है कि ये उसकी सबसे प्यारी चीज है। वो लूफी से वो हेड वापस ले लेगा जब वो सच में पायलट किंग बन जाएगा।
और इसी वादे के साथ सैंक्स उससे अलविदा लेता है और चला जाता है। और अब वापस पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में, जहां पे लूफी और जोरो बोर्ड में बैठे होते हैं और उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। तभी लूफी को आसमान में एक चिड़िया दिखती है और वो उसे पकड़ने के लिए चला जाता है, बट उल्टा उसी चिड़िया के मुंह में जाके फंस जाता है और वो चिड़िया के साथ उड़ता हुआ चला जाता है और जोरो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जोरो उसे पकड़ नहीं पाता। अब वो चिड़िया लूफी को अगले आइलैंड पे आके छोड़ देती है और लूफी सीधा आके कुछ पायरेट्स के ऊपर गिरता है जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। जी हाँ, वही लड़की जो हमें हर जगह अब तक दिखती हुई आई है। बॉस, आप मुझे बचाने आ गए, शुक्र है आप आ गए, मैं चलती हूँ, आगे आप संभाल लेना, वो लड़की ये कह के वहां से निकल जाती है। लूफी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है क्या है, बट उस लड़की का पीछा कर रहे पायरेट्स को लगता है कि ये सच में उसका बॉस है और वो लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी उनकी मान लगा देता है और ये सब देखकर वो लड़की लूफी के पास आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो एक चोर है जो सिर्फ पायरेट्स को लूटती है और उसका नाम है नामी, और वो ये भी कहती है कि वो एक नेविगेटर है। अब नेविगेटर कौन होते हैं? नेविगेटर असल में वो होते हैं जिन्हें समुद्र का हर रास्ता मालूम होता है, जैसे कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, मौसम कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों की नॉलेज रहती है। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि वो एक पायलट क्रू बना रहा है और उसको भी उसका क्रू ज्वाइन करने को कहता है। पहले तो नामी मना करती है, बट उसके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर वो उसका क्रू ज्वाइन करने का फैसला कर लेती है और लूफी से कहती है कि वो तभी ज्वाइन करेगी जब उसकी कुछ बातें लूफी मानेगा। लूफी फटाक से राजी हो जाता है और नामी उसे रस्सी से बांधकर उसे बगी पायलट के पास लेकर आ जाती है। बगी पायलट याद है ना, लास्ट आर्क पर जब नामी ट्रेजर मैप चुरा रही होती है तब उसे पता चलता है कि वो ट्रेजर मैप बगी पायलट ने चुराया है, तो अब उस ट्रेजर मैप को चुराने का प्लान आया है नामी के दिमाग में। बगी पायलट के पास लूफी को लेकर आने के बाद वो उससे कहती है ये मेरा बॉस है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसका क्रू छोड़ रही हूँ। नामी ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि बगी के पास वो ट्रेजर मैप है, वो बगी से वो चुराना चाहती है जिसके लिए वो लूफी का इस्तेमाल कर रही है। अब बगी राजी हो जाता है और नामी को उसके पायलट ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। बगी लूफी को एक पिंजरे में कैद कर लेता है, फिर नामी से कहता है कि उसको लॉयल्टी टेस्ट देना होगा। लूफी के पिंजरे के सामने एक तोप रख देता है और नामी से कहता है कि उसे उड़ा दो। ये सुनकर नामी थोड़ा डर जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर बगी के ग्रुप का एक मेंबर नामी के हाथ से मैच बॉक्स छीन लेता है और तोप चला जाता है, बट नामी ऐसा होने नहीं देती और उस तोप को चलने से रोक देती है। ये देखकर बगी गुस्सा हो जाता है और नामी के ऊपर हमला करवा देता है, बट सही टाइम पे वहाँ जोरो पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जोरो और बगी की लड़ाई होती है जिसमें जोरो अपनी तलवार से बगी के टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक तलवार आती है और जोरो पे हमला कर देती है। जब जोरो पीछे मुड़के देखता है तब बगी के सारे कटे हुए टुकड़े वापस से जुड़ने लगते हैं और तब बगी उससे कहता है कि उसने बारा बारा नोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कोई कितने भी टुकड़े करते वापस से जुड़ जाते हैं और वो अपने बॉडी के हर कटे हुए टुकड़ों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। लूफी समझ जाता है कि अब सिचुएशन खराब होती जा रही है और वो जोरो से कहता है कि यहाँ से निकल चलो। फिर जोरो तोप बगी की तरफ कर देता है और नामी तोप को आग लगा देती है और बगी और उसके क्रू पे हमला करके वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जोरो जख्मी हालत में भी लूफी का पिंजरा उठाता है और वहाँ से निकल जाता है और उसका इसमें बहुत खून बह जाता है। वो तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात उस शहर के मेयर से होती है। वो मेयर जोरो की हालत देख के उसे एक कमरे में आराम करने को कहता है।
अब यहाँ पे पहुंच जाता है बगी और उसके साथ उसके क्रू मेंबर्स को। लूफी के सामने अब बगी खड़ा है। वो बगी लूफी से कहता है कि तुम्हारा ये जो हेड है ना, मुझे किसी की याद आता है। तो लूफी उससे कहता है, क्या तुम जानते हो कि किसकी हेड है? क्या तुम जानते हो सैंक्स को? हाँ, मैं सैंक्स को जानता हूँ और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। फिर बगी उसे बताता है कि वो सैंक्स से नफरत क्यों करता है। बहुत पहले की बात है, जब सैंक्स और बगी एक ही शिप में एक साथ एक पैट क्रू के मेंबर्स हुआ करते थे, वहाँ बगी को एक दिन एक डेविल फ्रूट और एक ट्रेजर मैप मिलता है। वो उस डेविल फ्रूट और ट्रेजर मैप को लेके एक शिप में बैठा होता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि कैसे वो पहले डेविल फ्रूट को ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाम में बेचेगा, फिर उसके बाद ट्रेजर मैप की मदद से वो छुपा हुआ खजाना भी चुरा लेगा। लेकिन तभी पीछे से सैंक्स उसे आवाज़ लगा देता है, जिसकी वजह से बगी चौंक जाता है और डर के मारे वो डेविल फ्रूट खा लेता है और उसके हाथ से ट्रेजर मैप भी पानी में उड़ता हुआ चला जाता है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से बगी सैंक्स से नफरत करता है। यहाँ पे जब लूफी और बगी की लड़ाई हो रही होती है, तब बगी उसके हेड में हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके हेड में छेद हो जाता है और ये देख के लूफी को बड़ा गुस्सा आता है और वो बगी की बहुत मार लगाता है। लेकिन डेल फ्रूट की अवेलेबिलिटी होने की वजह से बगी भी लूफी को कलीट कर देता है और लूफी की मार लगाता है। लड़ाई करते वक्त बगी अपने बॉडी की कई सारे टुकड़े कर लेता है और लूफी के ऊपर हमला करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो लूफी के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन हमला कर नहीं पाता क्योंकि नामी पीछे से आके उसके सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेती है और बांध देती है। अब बगी के पास सिर्फ उसका सर और पैर है और बाकी के बॉडी पार्ट्स नामी ने बांध रखे हैं। मौके का फायदा उठा के लूफी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे उस आइलैंड से दूर फेंक देता है। क्या आपको पता है जब बगी और लूफी की लड़ाई हो रही थी, तब नामी कहाँ गई थी? असल में नामी चुपके से जाती है और बगी का सारा खजाना चुरा लेती है। नामी जो बगी का खजाना चुरा के लाती है, उसकी टोटल कीमत होती है 10 मिलियन बेली। अब यहाँ पे जोर भी ठीक हो जाता है और अब वो तीनों यहाँ से निकल भागते हैं, क्योंकि उस शहर के लोग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ की तोड़ फोड़ देख के उन्हें लगता है कि सारी तोड़ फोड़ लूफी ने की है और वो लोग लूफी के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन लूफी नामी जोर वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं समुद्री किनारे और वहाँ से बगी की शिप लेके फरार हो जाते हैं। तो ये थी आज की आर्क, जिसकी स्टोरी मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको आज सुनाया है। अब मैं आपको वन पीस की दो इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से सुनना। इस आर्क में नामी ने जो खजाना चुराया था, उसकी कीमत थी 10 मिलियन बेली। अब ये 10 मिलियन तो समझ में आता है, लेकिन बेली क्या चीज़ है? जैसे कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही वन पीस के वर्ल्ड में भी इनकी करेंसी का नाम है बेली। ये लोग अपनी करेंसी को बेली कहते हैं। पॉइंट नंबर टू, अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट खाने से अलग अलग तरह की पावर आती है। सुनने में तो मज़ेदार लगता है, बट इसका एक नुकसान भी है और वो ये है कि डेविल फ्रूट खाने वाले इंसान को यहाँ वन पीस के वर्ल्ड में हैमर कहा जाता है। हैमर यानी कि हथौड़ा। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप हैमर को पानी में फेंक दोगे तो क्या होगा, वो बिना कोई हरकत करे सीधा पानी में डूब जाएगा। वही हालत डेविल फ्रूट खाने वालों की भी होती है। डेविल फ्रूट खाने वाले इंसान कभी तैर नहीं सकते। अगर आप डेविल फ्रूट खाने वाले इंसान को पानी में फेंक दोगे तो वो डूबता हुआ चला जाएगा और कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो ये थी इस आर्क की दो इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी थी। आई होप आपको ये आर्क सुनने में अच्छा लगा होगा। अगर इस आर्क से रिलेटेड आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो मिलते हैं वन पीस के नेक्स्ट आर्क में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।